अजमेर जिले के बुबानी गांव में एक बरसाती नाले में डूबने से सगे भाइयों की मौत हो गई है। दोनों स्कूली छात्र थे। ग्रामीण ने दोनों शवों को बाहर निकाला है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के सामने शव उठाने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने मांग रखी कि परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और ईंट भट्टे के द्वारा अतिक्रमण कर सरकारी नाले पर मिट्टी डालकर बनाई गई नाड़ी को हटाने के साथ ही ईंट भट्टा संचालक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो। अभी तक ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि ईंट भट्टा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के डॉक्टर के बेटे का है। जानकारी के मुताबिक राहुल रावत 9 साल व धोनी रावत 11 साल पुत्र महेंद्र सोमवार शाम को बुबानी स्थित ईंट भट्टे के पास बकरियां चरा रहे थे। पास में ईंट भट्टे के लिए बनाई गई नाड़ी में पैर फिसलने से दोनों गिर गए। पास में काम कर रहे श्रमिकों ने देखा तो उन्होंने तुरंत ग्रामीण को सूचित किया। सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी। ग्रामीणों ने दोनों छात्रों के शवों को रस्सी से बाहर निकाला। सूचना पर गेगल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मामला बढ़ता देख अजमेर SDM महावीर सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। घटनास्थल पर रावत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह रावत, अजमेर ग्रामीण प्रधान प्रतिनिधि अर्जुन सिंह रावत, महेंद्र सिंह रावत बुबानी सहित कई प्रमुख ग्रामीण पहुंच गए। प्रकाश रावत ने बताया कि बुबानी में सरकारी नाले पर अतिक्रमण कर अवैध नाड़ी बना रखी है। ग्रामीणों ने पूर्व में भी ईंट भट्टा संचालक से मांग की थी, लेकिन संचालक ग्रामीणों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकियां दी थी। इधर देर रात तक ग्रामीणों ने मांगे पूरी नहीं होने के कारण शवों को नहीं उठाया था। सुबह भी प्रशासन की ओर से समझाइश जारी रही, जिसके 20 घंटों बाद समझाइश पर मान गए थे।